मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज शितिक्षा मेहता फ्रॉम यूनिटी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। टूडे आई टीच स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर 8, व्हाट इन द मेल बॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ वर्कशीट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्यू लाइन्स ऑन हर ड्राइंग कॉम्पिटिशंस कंडक्ट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अगर ड्राइंग कॉम्पिटिशंस है तो उसके लिए आपको कोई 5 लाइन्स लिखनी है। ओके, तो क्या है, देयर वॉज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन अवर स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर डूइंग ड्राइंग ऑफ दिस, नो चॉइस, वन चॉइस, द बेस्ट ड्राइंग वेयर सिलेक्टेड फॉर स्कूल मैगजीन एज अ फ्रंट पेज। के स्कूल के अंदर अगर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखा है और जिस जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में विन होगा, फर्स्ट आएगा उसका, जिसका ड्राइंग सिलेक्ट होगा उसके ड्राइंग को स्कूल मैगजीन्स के अंदर पहले पेज पर, फ्रंट पेज पर उसका पिक्चर्स रखा जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन 2, राइट द नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स अ पोस्टमैन ब्रिंग फॉर अस। के पोस्टमैन है कौन सी 4 चीज़ें आपके घर में देता है। तो क्या क्या देता है, फर्स्ट है लेटर देता है, फिर पैकेजेस देता है, कोई अगर कुछ देता है पैकिंग करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए राखी भेजते हो, राखी वगैरह, तो वैसा। फिर मनी ऑर्डर, कोई पैसे डाल के देता है वैसे, और कोई पार्सल। ओके, लास्ट क्वेश्चन 3, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग। पास्ट टेंस लिखना है आपको, नो का क्या आएगा, फ्लू, प्ले का प्लेड, थिंक थ्रो, ड्राइव ट्राइड, पुट पुट, ओपन ओपनड। ओके, अब क्वेश्चन 4 क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन 4 में क्या दिया है आपको, दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करना है। तो उसके अंदर फर्स्ट क्या है, आई एम डूइंग, आंसर आएगा माई होमवर्क। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, वी विल ब्रश हिज टीथ, शी लिव विद हर पेरेंट्स। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग सेंटेंस शुड शो दैट सम थिंग्स बिलो टू सम वन वी डोंट, नोट दिस विथ अ एस ब्लॉक्स। ओके, अब उसके अंदर पहला क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहला है उसके अंदर के द लेग ऑफ कैट, तो उसका क्या आएगा, द कैट्स लेग। सेकंड है द देन ऑफ द लायन, तो लायन देन। वर्क, द वर्क ऑफ मैन, तो मैन वर्क। द स्कूल फॉर गर्ल, तो गर्ल स्कूल, सॉरी द गर्ल स्कूल। द टॉय ऑफ माई चाइल्ड, तो चाइल्ड्स टॉय। उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में क्या दिया है आपको, पजल्स दिए हैं। पजल्स यहाँ पे जो भी आपके अंदर, यहाँ पे मैंने फिलअप करके दिए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, ये जो पजल्स है आपके, जितने भी यहाँ दिए गए हैं पजल्स, वो सारे पजल्स ऑलरेडी आपको यहाँ पे ब्लैंक के अंदर आ चुके हैं, तो उसका पूरा पजल्स यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन 7, मैच द कॉलम ए और बी। यहाँ पे ए और बी आपको मैच करना है, और वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे नीचे आंसर्स की लाइन दी गई है वहाँ पर। ओके, तो अगर हम पहले एक बार मैचिंग द फॉलोइंग्स देख लेते हैं, क्या है द बार्बल, तो बार्बल क्या होता है, अ पर्सन हु कट्स हेयर ऑफ शेविंग मैंस ग्रे बर्ड, यानी बार्बल क्या करता है, आपके बालों को कटिंग करता है और शेविंग वगैरह कर देता है। ओके, कारपेंटर्स क्या करता है, तो कारपेंटर अ पर्सन हु मेक और रिपेयर वुड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई लकड़ी का काम है, विंडोज, आपके बेड, वो सोफ़ा, वो सब कराते हैं, वो किसके पास करवाते हैं आप, कारपेंटर के पास। मैसून किसे कहते हैं, क्या करता है मैसून, अ पर्सन हु यूज स्टोन टू वर्क, क्या करता है वो, स्टोन वर्क करता है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, प्लम्बर क्या करता है, आपके घर पे जो नल वगैरह होता है उसको रिपेयरिंग करने का काम कौन करता है, प्लम्बर। जैसे कि अ पर्सन हु फिट और रिपेयरिंग पाइप्स एंड अदर थिंग्स। टेलर्स क्या करता है, आपके कपड़े कट सिल देता है ना, तो क्या है टेलर, कहाँ है,
अ पर्सन हु मेक क्लोथ, क्या करता है टेलर, आप कपड़े सिलता है। उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग एंड फॉर होम, द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर चाइल्ड पर्सन, चाइल्ड पेरेंट्स। ओके, अगर क्या दिया है कि लेटर किसके लिए पोस्टमैन लेके आता है, तो लेटर जो बेबी है, चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स के नाम से आता है, उसके लिए लेके आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल द चाइल्ड गेट लेटर, द चाइल्ड विल गेट लेटर व्हेन हर फ्रेंड्स वी राइट द लेटर टू हर। अब चाइल्ड को भी ऐसा लगता है ना कि वो भी, उसे भी कोई लेटर दे, उसके नाम से भी लेटर आए, तो पहले वो क्या सोचता है, अगर मुझे अगर लेटर मेरे नाम से चाहिए तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से लेटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि द चाइल्ड गेट लेटर व्हेन हर फ्रेंड्स राइट द लेटर टू हर, पहले चाइल्ड क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखता है। What does the child decide to do? The child decide to write some letter to her friends. ओके, उसने क्या डिसाइड किया, पहले मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखूंगा, बाद में उसका फ्रेंड वो लेटर पढ़ के उसे रिप्लाई देगा जो आपके ऊपर के आंसर्स में दिया है। ओके बच्चों, यहाँ पर ही आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है, आपको समझ में आ ही गई होगी। ओके, थैंक यू।